नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। संगीता आजाद बीजेपी में शामिल, सीमा कुशवाहा भी बीजेपी में शामिल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बसपा से सांसद हैं संगीता आजाद, जिन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट और बड़ी खबर। चुनावी मौसम में दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है, सपा हो या बसपा। बीते दिनों कई महत्वपूर्ण नेताओं ने भाजपा का दामन थामा और संगीता आजाद बीजेपी में शामिल हो गई, सीमा कुशवाहा भी बीजेपी में शामिल हो गई। बहुजन समाज पार्टी से सांसद हैं संगीता आजाद, जो कि अब बीजेपी की तरफ जा चुकी हैं। संगीता आजाद बीजेपी में शामिल, यूपी की सियासत से जुड़ी यह बड़ी खबर है। संगीता आजाद बीजेपी में शामिल हो गई, सीमा कुशवाहा भी बीजेपी में शामिल हो गई। लालगंज से बीएसपी सांसद हैं संगीता आजाद, जिन्होंने अब भाजपा का दामन थामा है। बसपा का साथ छोड़ चुनावी मौसम में बीजेपी में शामिल हो गई। विनीत कुमार से इस पर अपडेट लेते हैं। विनीत, कितना बड़ा नुकसान बसपा के लिए, सीमा कुशवाहा भी बीजेपी में शामिल, संगीता आजाद भी बीजेपी में शामिल। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बड़ी सफलता जो है वो बीजेपी के लिए है। बीजेपी जो है वो लगातार मजबूत हो रही है। जिस तरह से हमने मैं सुना कि जब ज्वाइनिंग हो रही थी उस वक्त ये लगातार ये कहा जा रहा था कि बीजेपी परिवार में जो लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं, बीजेपी परिवार में जो लोगों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। इसी तरह सीमा कुशवाहा के आने से, या फिर अगर हम बात करें संगीता के आने से, निश्चित तौर पर यहाँ पर काफी मजबूती मिलेगी। अभिनंदन करता हूँ अपने केंद्रीय नेतृत्व का, हृदय से आभार। पर जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सर्वोच्च न्यायालय में, मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार को बढ़ाने में आपने अनुमति प्रदान की, सदस्यता ग्रहण कराई है। तीनों लोगों का अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। सीमा कुशवाहा जी एक बड़ा नाम है, मैं कह सकता हूँ महिलाओं के लिए संघर्ष करने वालों में और सर्वोच्च न्यायालय में पूरे देश में एक बड़ा नाम है सीमा कुशवाहा जी का। दूसरा आदरणीय संगीता आज़ाद जी, जो लगातार 5 वर्ष सांसद रहने के दौरान जिस ढंग से उन्होंने क्षेत्र के साथ साथ विभिन्न मुद्दों पर महिलाओं के संबंध में तथा देश की प्रदेश की अन्य समस्याओं के बारे में भी लगातार काम किया है, ऐसी बहन संगीता आज़ाद जी, आज़ाद हरिमर्दन जी, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को आगे बढ़ाने में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो विकसित भारत का संकल्प है उसे पूरा करने में हम सब लोग ताकत से जुटेंगे, क्योंकि चुनाव में मात्र कुछ दिन बचे हैं। तो अब समय नहीं है, जो भी समय है हम पार्टी के लिए पूरा समय लगाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है उसे पूरा करने में प्राणपट से जुटेंगे। आप सबका, अपने मीडिया के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरा विनम्र निवेदन है ओजस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय। तो विनीत हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। जी विनीत, चुनावी मौसम में दल बदलने का सिलसिला जारी है, बीजेपी का परिवार बढ़ रहा है और बसपा छोड़ संगीता आजाद शामिल हो गई हैं बीजेपी में।